प्रेगनेंसी के टाइम जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है तो कई तरह के यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिससे बच्चे को मां के पेट से बाहर आने में मदद मिलती है। लेकिन लेबर के दौरान अगर 10 मिनट में 5 से ज्यादा यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बच्चे की हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाती है। इसे हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। लगातार यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जो पाइटोसिन और ऑक्सीटोसिन जैसी दवाइयां ज्यादा क्वांटिटी में लेने के कारण हाइपर स्टिमुलेशन होता है। पाइटोसिन के कारण कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन और रेट बढ़ जाता है। अगर बच्चे को ब्लड सप्लाई धीरे मिलता है तो पाइटोसिन का सप्लाई कम किया जाता है या बंद कर दिया जाता है जिससे बच्चे को ऑक्सीजन मिल सके। और अगर बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी जिससे बच्चे के ब्रेन में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है जो कि अब नॉर्मल चाइल्ड होता है।